मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। यस। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनारे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद?
हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता।
और दादी के पैनकेक्स। स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ, चैलेंज शुरू करने का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह, दादी आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना है। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ यह ले लो, और यह। ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है, मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है। मुझे पता है, डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है, तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आँखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है, और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छे सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इन्हें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है? यह दलिया नहीं है जेन, फाइव स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं, और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है, तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जी? हाँ दादी,
ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओ, कितना भयानक, ये बचे हुए सामान की बाहर की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी चिल्ली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल, ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ, मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं दो अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा, मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है, मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूंगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी, मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज, मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डाले। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए? और सबसे जरूरी सामग्री, यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं, और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओ, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ, और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है,
वाह मेरी बेटी। खैर सब कुछ तैयार है, हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी, दादी का साधारण सैंडविच, बन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस। कितना प्यारा सा दिल है, ये किस तरह का सैंडविच है। बहुत ही असामान्य, इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है, खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था। ये सैंडविच बहुत सुंदर है, प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट, मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है, चलो चक्कर देखती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है, वह हर किसी से बेहतर है, मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया।